पंजाब सरकार लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। वहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के साथ साथ जिला स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिले के 9 लाभार्थियों को ग्रामीण बस मार्ग परमिट दिए गए थे। इस मौके पर बस्सी पठान के विधायक गुरप्रीत सिंह मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूरी पारदर्शी तरीके से परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को चला रहा है। पहले वाहन नंबर लेने की प्रक्रिया विशेष तौर पर बहुत लंबी थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। इसी तरह लाइसेंसिंग और अन्य गतिविधियों को सरल और पारदर्शी बनाकर इसे ऑनलाइन किया गया है। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद करना चाहना, साडे राज्य सरकार जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उनका धन्यवाद चेचे तौर पर धन्यवाद करना चाहना, क्योंकि अज साडे जिले च 7-8 के करीब मिनी जो परमिट ने वो दिते गए ने मेरे हल्के फतेहगढ़ साहब के नौ हल्के रीच, क्योंकि अज सही मैनेज पहला जो परमिट दिते जाते थे तो वेद कोई पैसे लेके परमिट देना सीगा, कोई अड अड करप्शन करने तरीके से। मैं कैप्टन साहब का चेचे तौर पर धन्यवाद करना चाहता, तो राज्य सरकार जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर धन्यवाद करना चाहता, जिन्हें एक जोड़े साढ़े नौजवान से कुड़िया से जिन्होंने जॉब नहीं सी, अज उन्होंने जिन्नी मिनी डिपार्टमेंट दिते ने वो ये शलाघाजोग एक कदम किया कैप्टन सरकार ने, तो आने वाले टाइम से साढ़े अज घट्टो घट 3,000 के करीब डिपार्टमेंट दिते ने, तो 2,000 आने वाले टाइम दिते जाएंगे ताकि साढ़े नौजवान वो तो वह अपना बेरोजगार से उन्होंने साधन पैदा हो कमाई कर सकें।